दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में ये स्टीम आयरन है, इसी को आज रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से लगा के और सीरीज़ वाला पावर देके आपको दिखाते हैं। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसमें यही प्रॉब्लम और यही दिक्कत है। आज इसी को ठीक करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो लिड है वायर से, यहाँ से इसको टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। तो जो वायर है ये बिल्कुल ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन प्रॉब्लम प्रेस का है। तो अब प्रेस को खोल के इसको ठीक करके यहाँ से दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये पीछे का जो स्क्रू है यहाँ से खोल लेंगे और खोल के यहाँ कवर हटा के और इसको यहाँ से सीरीज पर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ से सीरीज़ वाला पावर लगाएंगे और लगा के इसका जो बॉडी अर्थ है इसका पहले यहाँ से टेस्ट करके दिखाते हैं। तो बीच वाला जो है बॉडी अर्थ है, ये मेन दोनों मेन पावर है, तो यहाँ पर पावर नहीं बता रहा है। तो अब इस प्रेस को खोल के देखेंगे इसमें क्या दिक्कत और क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ से लॉक होता है, यहाँ से लॉक छुड़ा के और यहाँ पर टेप लगाएंगे तो इसको काट देंगे। यहाँ पर दोनों साइड से काट के ऊपर का जो कवर है यहाँ से हटाएंगे। तो हटा के यहाँ से स्क्रूप होता है तो उसको खोलेंगे। तो पीछे दो स्क्रूप है, इसको खोलेंगे और ये लीवर वाला नाब यहाँ से निकाल लेंगे। तो इसको ड्राइवर की मदद से इसको निकाल लेंगे और ऊपर एक स्क्रूप होता है तो यहाँ से खोल लेंगे। खोल के ये हैंडल हटाएंगे और फिर यहाँ पर तीन स्क्रूप है तो इसको भी यहाँ से बारी बारी तीन स्क्रूप को खोल लेंगे और खोल के ये ऊपर हटाएँगे कवर और यहाँ से आपको टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलिमेंट चेक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एलिमेंट ओके है, इसका थर्मास्टेट भी ओके है। एक छोटा सा फ्यूज़ लगा होता है यहाँ पे दोस्तों, दिखाते हैं। तो ये फ्यूज़ बता नहीं रहा है, यही वजह है दोस्तों कि ये हीट नहीं हो रहा है। तो इस फ्यूज़ को यहाँ से खोलेंगे, खोल के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा स्क्रूप होता है, खोल लेंगे और इस ये फ्यूज़ को यहाँ से निकालेंगे। तो ऊपर एक थर्मास्टेट पर एक स्क्रूप है तो इसको खोल लेंगे और ये फ्यूज़ सीधा करके ये स्लिप हटाएँगे और यहाँ पर एक छोटा सा फ्यूज़ लगा होता है दोस्तों, ये लगभग 10 एम्पीयर का है, 10 एम्पीयर का है फ्यूज़। ये ख़राब हो गया है दोस्तों, अब इसको हम जुगाड़ से इसको ठीक करते हैं। तो एक छोटा सा कॉपर का वायर लेंगे पतला सा और इसको फ्यूज़ को यहाँ से बांधेंगे, क्योंकि हम दोस्तों हमारे पास फ्यूज़ है अभी आया नहीं है। तो यहाँ से इसको जुगाड़ से लगा के आपको दिखाते हैं। तो इस कॉपर वायर को यहाँ पर फ्यूज़ के ऊपर और ये फ्यूज़ के यहाँ पर नीचे इसको वायर को लपेट देंगे और जो स्लिप है इसको अंदर करके जैसे था पहले वैसे कर लगा देंगे और जो छोटा सा ऊपर फ्यूज़ के ऊपर जो स्क्रूप था इसको लगा के यहाँ पे अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेंगे और टाइट करके जो इसका वायर है वो थर्मास्टेट पर यहाँ पे स्क्रूप से इसको टाइट कर देंगे। यहाँ पे ये हो गया बिल्कुल ओके। अब ऊपर का ये कवर लगा के और जो तीन स्क्रूप खोले थे इसको हम तीन स्क्रूप को बारी बारी टाइट कर लेंगे। ये हो गया, अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, ये बिल्कुल ओके, बिल्कुल रेडी। छोटा सा ये नाब है इसको कटिंग देख के बैठा लेंगे, बिल्कुल ओके। ऊपर का ये हैंडल लगा के और इसमें जो ऊपर स्क्रूप था इसको टाइट कर लेंगे और पीछे दो स्क्रूप था इसको भी टाइट कर लेंगे और यहाँ पे ऊपर का जो कवर है इसको यहाँ पे लगा के इसको लॉक पे बैठा देंगे और ये पीछे का जो कवर है जो स्क्रूप लगा के इस कवर को टाइट कर लेंगे और ये नाब है कटिंग देख के इसको यहाँ पे अच्छी तरह से इसको बैठा देंगे। ये ओके, अब इसको टेस्ट करके आपको दिखाती है दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बराबर मिलती रहे और आपका काम आसानी से बन जाए। यहाँ से बिल्कुल ओके, यहाँ से लीवर घटाएँगे बढ़ाएँगे, ये बिल्कुल अच्छी तरह वर्क कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा से कमेंट कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर कर दीजिए।